ओके बोले तो उसके बाद कौन सा है आपका? आपने किया अभी रेस्पिरेशन किया ना, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन है उसका होगा। ओके सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल नाउ इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो जैसा आपको बताया कि आप ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही जगह पर एक ही तरह के पौधे देखते हैं। जब आप जाते हैं कहीं घूमने जंगल में या कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर एक ही वैरायटी के पौधे पाए जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं आम का पौधा, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाएंगे वहाँ भी आपको आम का पेड़ मिलेगा, उससे आधा किलोमीटर दूर जाइए वहाँ भी आम का पेड़ मिलेगा, ठीक है। तो आपने अभी तक समझ लिया कैसे होता है पॉलिनेशन, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, आपने पढ़ लिया प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स जो है वो आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से उनका रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में आपने देखा कि जो है उसका प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाँ, और तरीकों से जो है स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, ये सब तरीकों से हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देख लिया कि उसमें पॉलिनेशन जो है होता है, और उसमें दो तरह का पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। यानी एक ही पेड़ में होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग पेड़ों में है तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो कहने का मतलब है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो तो एक ही पेड़ में हो रहा है, तो वो तो अपने पेड़ के ही आसपास दूसरा पेड़ जन्मेगा। एक ही पेड़ में अगर जो है पॉलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल में जा रहे हैं, एक ही फूल में हो रहे हैं, तो वो जो डेवलप्ड जाइगोट है या वो तो उसी पेड़ के आसपास डेवलप होगा, वहीं गिरेगा, उसी पेड़ के आसपास गिरेगा और वहीं डेवलप होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक पेड़ के आसपास झुंड में हमें बहुत सारे पेड़ दिखते हैं उसी वैरायटी के। उसका कारण क्या है कि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है नजदीक के पेड़ में, लेकिन इतना दूर कैसे हो रहा है भाई? तो आपने पढ़ा कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, जो कि दूरी तक भी हो सकता है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसको एयर, विंड, सॉरी वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सब कैरी कर देते हैं दूर तक, और उसकी वजह से दूर तक फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दूसरे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, और इस वजह से हमें पेड़ दूर दूर डेवलप हुए मिल जाते हैं। समझ में आ गया? तो मान लीजिए एक आम का पेड़ है, उसका पॉलन ग्रेन नदी में गिर गया। अब वो नदी के साथ बह के हो सकता है कि 10 किलोमीटर आगे जाके कहीं रुके, वहाँ किसी जानवर के साथ फिर चिपक के उसका दूसरे पेड़ पर चला जाए, वहाँ ये हो जाए उसका। समझ गया? गुठली है उसका, गिर गया, आपने खाया, गुठली को फेंक दिया नदी में, नदी बहते बहते कहीं चली गई गुठली, और वहाँ जाके बीज लग गया, वहाँ जो है पेड़ उग गया। तो इस तरह से जो बीज सीड्स का फैलाव होता है, मूवमेंट होता है दूर दूर तक, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। चिड़िया हैं, क्या करती हैं? फलों को, हम कोई फल पका हुआ अमरूद का कोई चीज़ का, उसको खा लिया, उसका बीज भी फल के साथ चला गया उसके पेट में, वो कहीं जाते हुए उड़ रही है कहीं दूर, वहाँ उसने अपना बीज गिरा दिया जो है, उसके साथ बीज वहां गिर गया, वहां उग गया।
हम जो है अमरूद खरीद के लाए, खाए, कहीं उसका फेंक दिए कहीं बीज। बीज मतलब को फल के अंदर का। हाँ, वही तो बीज है, और क्या है बीज? बीज फल के अंदर ही ना हमेशा होता है, सेब के अंदर, अमरूद के अंदर, पपीते के अंदर, आम के अंदर, खरबूजे के अंदर, तरबूज के अंदर, अंदर ही होता है बीज, तो फल में बाहर थोड़े होता है। उग जाएगा। ठीक है। सो इन, इसी का आपने यहां देखा कि इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क, यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। जैसे अब यहाँ है कि मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं, जंगलों में, बगीचे में, गार्डन में, मैदान में, खेतों में, तो हमारे भी कपड़ों पर कई बार ये इस तरह बनाया है, जैसे आप देखते हैं बीजों में कुछ थोड़ा सा कांटा कांटा जैसा कोई कोई बीज में होगा, या उसमें रेशे जैसा रहेगा, ये भगवान ने उसको दिया है, प्रकृति ने उसको मैकेनिज्म दिया है कि चिपक जाओ किसी में और फिर दूर चले जाओ। जानवर जाएगा, चरते रहेगा, बकरियां उसके, देखिए बकरियां कई बार जाती हैं, उनके शरीरों में पूरा चिपक जाता है। या हम ही जाते हैं तो हमारे कपड़ों में ढेर सारे, बहुत सारी चीज़ें चिपक जाएंगी, अगर आप घास फूस झाड़ियों में से होके जाएंगे तो। पहले एक होता था कांटा कांटा जैसा, बिल्कुल होता था, चिपक जाता था, देखिए बड़ा ही कांटेदार होता था और कपड़ों में चिपक जाता था। हाँ, अब याद नहीं क्या कर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज़, तो बीज में इसीलिए भगवान ने दिया है कि वो आसानी से ट्रांसफर हो जाए किसी को। तो जानवर जाते हैं उनके शरीर में, बालों में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बीज जो है चिपक जाते हैं और फिर दूर जाके कहीं गिर जाते हैं, इस तरह से उनका ट्रांसफर हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है, ये भी सोचने की बात है कि आखिर प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, एक ही जगह बीज गिरने देते, इस तरह का बीजों में क्यों दिया मैकेनिज्म कि वो चिपक जाता है, आसानी से दूर चला जाता है। तो आगे आपको है लिखा हुआ, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। कि मान लीजिए एक ही जगह पर सारे बीज गिरते जाते एक के बाद एक पेड़ के और वहीं पर ग्रो करते जाते, तो क्या होता, एक ही जगह पर ढेर सारे पेड़ हो जाते। तो ढेर सारे जब पेड़ एक ही जगह हो जाते तो क्या होता, सबको खाना पीना चाहिए, और खाना पीना कहाँ से मिल रहा है, उसी मिट्टी और हवा से मिल रहा है। तो क्या होता, आपस में खाने के लिए मारामारी हो जाती। थोड़े ही जगह में अगर ढेर सा, जैसे कि बिहार, चाइना, दिल्ली, इन सब में क्या है, लोगों के बीच खाने के लिए मारामारी है, कमाने के लिए मारामारी है, कमाते किस लिए, खाने के लिए ना। तो इतने ज़्यादा लोग हैं कि उनमें कंपटीशन है कमाने के लिए, खाने के लिए। और वेस्टर्न कंट्रीज़ का देख लीजिए पॉपुलेशन, अमेरिका, कनाडा, दो चार किलोमीटर में एक आध दो आदमी आपको मिलेगा। हाँ, तो दो चार किलोमीटर में, एक दो किलोमीटर में दो तीन आदमी ही रह रहे होंगे, यहाँ एक दो किलोमीटर में तो भाई पता चलेगा दो तीन गांव बस जाएंगे। हाँ, तो वहाँ क्या इतना आपस में कंपटीशन नहीं है, और यहाँ क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, वही क्या, तो नहीं गांव भी छोड़े, शहर में तो आप देखिएगा, गांव में तो डेंसिटी कम होता है, तो आप पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी से कहते हैं, पॉपुलेशन बाय एरिया। तो यू फाइंड कि दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, हाँ दिल्ली का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज अराउंड 6,000 to 7,000 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एवरेज कितना है, 350 के आसपास, एक रफ एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, और दिल्ली का 7,000 के आसपास होगा, या उससे भी ज़्यादा है शायद, 11,000 है, कितना है। तो ये देखिए कितना फर्क है,
क्योंकि बहुत ही कम, दिल्ली में थोड़ा एरिया, उसमें इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी के डेट में 2.25 करोड़ होंगे, हाँ, तो इस वजह से तो यही हाल प्लांट्स में भी है। अगर थोड़े से ही एरिया में बहुत सारे प्लांट अगर ग्रो कर जाएंगे तो उनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा, फियर्स कंपटीशन हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? देखिए, देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। एक तो सबको जगह चाहिए, खड़ा होने के लिए जगह चाहिए ना पेड़ को, उतना तो जगह लेगा, जड़ फैलाने के लिए जगह चाहिए, तो सब आपस में पता चलेगा एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएगा। उसको रोशनी चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट के लिए भी उसको जगह चाहिए। उसके बाद वाटर चाहिए ज़मीन से, पानी पी जाएगा सब एक पेड़, बाकियों को पेड़ पानी नहीं मिलेगा। मिनरल्स चाहिए, मिट्टी में मिनरल्स ही नहीं रहेगा जब सब इतना ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे। तो इस तरह आपस में हर चीज़ के लिए इतना फियर्स कॉम्पिटिशन हो जाएगा कि वहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा प्लांट्स। तो एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इन टू हेल्दी प्लांट्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सीड्स वहीं पर अगर गिरते रहेंगे तो वो हेल्दी प्लांट में डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको जब वहीं गिरेंगे और वहाँ की मिट्टी में पहले ही सब खा पी के चट कर दिए हैं तो मिलेगा क्या उसको? ना वाटर मिलेगा, ना न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगा, ऊपर पहले ढक दिए होंगे सब जो है अपना अपना जगह बना के, ठीक है। तो इस वजह से वो हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, तो इसलिए सीडों के फैल जाने से प्लांट्स को फायदा होता है, ठीक है। उनको अपना फ्रेश जमीन मिलता है, अपना अपना सबको प्लॉट मिल जाता है कि भाई बसो इसमें, ठीक है। बसने के लिए अपना प्लॉट मिल जाता है, अपना हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी उनको मिलता है। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इससे क्या होता है कि बाप बेटों और दादा पोतों के बीच में आपस में मारामारी नहीं होती। पता चला बाप वहीं प्लांट था, उसका भी सब बच्चा वहीं गिर गया, सीड जो है उसका, फिर अगला पौधा होगा उसका भी सीड वहीं गिर गया, तो पता चला बाप बेटे पहले ही खा रखे हैं, पोता को वहाँ कुछ मिलना नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपस में ही एक प्लांट, पेरेंट प्लांट और उसके ऑफस्प्रिंग में कॉम्पिटिशन ना हो, इसके लिए ऐसा प्रकृति ने किया है कि भाई आराम से फैल के बसो, एक ही जगह मत बसो। यस, इट इज ऑल नेचुरल। इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। चढ़ाई करना नहीं, यहाँ कब्जा करना। तो इससे क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो नए हैबिटेट, हैबिटेट आपने पढ़ा क्या है, प्लांट के होम को हैबिटेट कहते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के होम को हैबिटेट कहते हैं। तो उससे क्या है कि वो नए नए घर अपने लिए तलाश सकता है और वहाँ पर अपना कब्जा कर सकता है, यानी कि वहाँ पर अपना बस सकता है, ठीक है, ताकि और ज़्यादा फैलाव उनका हो सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो बीजों का फैलाव होता है उससे क्या पौधों को मदद मिलती है कि वो अपने लिए नए घर तलाश सके, नई जगहें तलाश सके जहां से वो अपना और भी फैलाव कर सके। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ठीक है, बीज और फल ये किसी पौधे के किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और जानवरों और एनिमल्स में हम भी आते हैं। नहीं नहीं, नदी, नदियाँ की बात हो रही है, मूविंग वाटर की बात हो रहा है। या ऐसे भी अगर मान लीजिए झील है तो झील में गिर गया, तो झील में गिर गया तो वो बीज तैरते तैरते एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा पानी के लहरों के साथ। हाँ हाँ, मूविंग नहीं तो वहीं रहेगा, तो वहीं रह जाएगा ना। हाँ, रिवर है, स्ट्रीम है, झरने हैं, जहाँ भी जिस रूप में भी पानी बह रहा है,
लेक्स भी है, पॉन्ड्स भी है, पोखर में भी गिरता है तो लहरों के साथ एक कोना से दूसरा कोना पहुंच जाएगा। हाँ, तो विंड वाटर एंड एनिमल्स। अब देखिए, विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल। विंग्ड मतलब जिसमें रेसे पंख जैसे होते हैं, लगता है कि पंख जैसा है। देखे ना, कुछ सीड उड़ते रहते हैं, उन्हें बाल जैसे, बड़े बड़े बाल जैसे होते हैं, तो हाँ, तो लगता है कि जैसे उनको पंख लग गए, वो अपने आप उड़े जा रहे हैं, पर उड़ अपने आप नहीं, वो हवा से उड़ रहे हैं। तो उनके जो रेशे इतने फैले हो जाते हैं, तो उस रेशे वाला पंख, हाँ, या कई बार उसमें पंखुड़ियां जैसी भी होता है, वो आप यहाँ नहीं देखे हैं, जैसे ये कह रहा है ड्रमस्टिक और मेपल, तो उनमें क्या है कि बहुत ही महीन पंख जैसे भी होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो भी आराम से हवा के साथ बड़ी तेजी से उड़ जाते हैं। हाँ हाँ, ड्रमस्टिक पेड़ का नाम है, ड्रमस्टिक कहते हैं इसके, ये जो आप खाते हैं ना, अरे सांबर में पड़ता है लंबा, उसको क्या कहते हैं, मुनगा कहते हैं, क्या कहते हैं, लंबा लंबा जो नहीं बिकता है, आप नहीं खाए, हम तो बहुत खाते हैं, बोड़ा, बोड़ा कहते हैं यहाँ लोग, इधर बोड़ा कहते हैं, ठीक है, ड्रमस्टिक उसको कहते हैं। साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं सांबर वगैरह बनाने में। हाँ, तो इतना लंबा लंबा रहता है, पतला पतला डंडी की तरह ग्रीन, हाँ हाँ, हाँ काट काट के उसको डालते हैं सांबर में, रेशेदार उसको जो बाद में चूस के लोग फेंक देते हैं। सांबर में पड़ता है, या यहाँ भी लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं उसका, हम लोग भी खाते हैं काफ़ी, तो उसको ड्रम स्टिक कहते हैं। और मेपल हो गया, मेपल होता है ये आपके उधर होता है, कनाडा वगैरह में होता है ज़्यादा, कनाडा को तो लैंड ऑफ मेपल कहते हैं, लैंड ऑफ मेपल लीव्स, एक पेड़ होता है, हाँ। और इसका जो पत्ती होता है, ये आपको दिखाया गया था मोहब्बतें पिक्चर में, मोहब्बतें देखे थे नहीं, तो उसमें एक पत्ता दिखाता था, पत्ते का बड़ा उसमें रोल था, उड़ता हुआ चौड़ा सा पत्ता रहता था, वो मेपल लीफ ही होता है, ठीक है। इंडिया में, कश्मीर में थोड़ा पाया जाता है, और बाकी फिर कनाडा कोल्ड कंट्रीज़ में होता है, नेशनल ये है, हाँ, मेपल ही है। तो उसके भी जो है, जो सीड्स हैं, यहाँ देखिए जैसे आपको उसमें, हाँ हाँ, मेपल है, ये तो दो पेड़ के नाम है कि इनके, तो फिर लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस अलग है, वो लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस, यानी कि जो कुछ घास के बीज होते हैं, बड़े हल्के होते हैं, दिखने में भी बिल्कुल आपको दिखेंगे नहीं, इतने छोटे होते हैं, तो उनके बीज इतने हल्के होते हैं कि वो आराम से हवा से उड़ जाते हैं, उसमें कोई बीज पंख वंख की जरूरत नहीं है, न बाल की जरूरत। और हेरी सीड्स ऑफ आक, आक वही अकमन जिसे आप कहते हैं, अकमन, अरे जो वो आप उड़ते हुए नहीं गांव में देखते हैं, उजला उजला उसका, हाँ हाँ हाँ, वही वो अकमन के पेड़ बोलते हैं, गांव में बहुत होता है, हरा हरा जिसका इस तरह से पत्ती रहता है, इस तरह से पत्ती रहता है, नुकीला नुकीला ग्रीन कलर का। खैर चलिए, पौधा बड़ा मतलब ठीक ठाक अमरूद के साइज का पौधा होता है, जिससे हाँ हाँ पौधा ही होता है, पेड़ नहीं कहेंगे क्योंकि उतना हार्ड नहीं होता है उसका, लकड़ी सॉफ्ट ही रहता है। और उसके जो नहीं नुकीले नुकीले गोल गोल उसमें वो होते हैं फल होते हैं, उसमें कांटा कांटा जैसा, लेकिन मुलायम रहता है कांटा, हरा हरा रहता है, उसको चढ़ाया जाता है शिव जी को पूजा में, सावन में भी खूब चढ़ाते हैं लोग। खैर, तो उसे आक, हिंदी में इंग्लिश में आक लिखते हैं या मदार कहते हैं कई जगह, और ऐसे अकमन कहते हैं गांव में। एंड हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, और उसी तरह सनफ्लावर के भी जो सीड्स हैं उसी तरह के होते हैं, बिल्कुल बीज होते हैं, उसमें रेशे बड़े बड़े निकले रहते हैं। हाँ कोई बात, ठंड का समय।
ठंडा होने की वजह से। ठंड के कारण होता है, भीग गए हैं और फैन चल रहा है। ओके सो
हाँ, हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, ऑल दीज जितने भी हमने पढ़े अभी, ड्रमस्टिक और मेपल की जिसमें पंख जैसे होते हैं, घास के हल्के बीज या जो जिसमें रेशेदार बीज होते हैं जैसे आक के और सनफ्लावर के, दे ऑल दे गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, तो हवा के साथ साथ ये दूर तक उड़ जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ बीज जो होते हैं वो पानी के द्वारा एक से दूसरी जगह फैला दिए जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइबरस आउटर कोट एज इन कोकोनट। तो इनमें क्या होता है, जो पानी के साथ जाने वाले बीज होते हैं उनमें उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो आसानी से वो तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं, पानी में गिरने के बावजूद वो पानी पर ही ऊपर छहलाए रहते हैं। तो फ्लोटिंग एबिलिटी होता है कैसे, या तो उनका स्पंजी थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, स्पंज की तरह स्ट्रक्चर होता है कि हवादार और दबाने से उसमें हवा भरी रहती है, या उसमें फाइब्रस होता है, बाहर का जो छिलका होता है उसमें बड़े रेशे होते हैं, तो रेशे होने से क्या होता है कि उसमें उनका वजन कम हो जाए या उसमें हवा ज़्यादा भर जाती है रेशों के बीच में, जैसे कोकोनट है, तो कोकोनट भी अगर गिरता है तो वो डूबेगा नहीं, तैरते रहेगा पानी में, ठीक है, क्योंकि उसका बाहरी छिलका जो है रेशेदार होता है जिससे कि उसका वजन कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है, तो वो पानी में तैरता रहता है, डूबता नहीं। हाँ हाँ, डेंसिटी कम होने की वजह से। एक तो शेप भी है उसका, नाव की तरह देखिए शेप होता है, थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, हाँ वो नेचुरल है, शेप इस तरह रहता है, तो वो भी जो है थोड़ा वो रेजिस्ट करता है वाटर को सरफेस, और दूसरा है कि डेंसिटी उसका वेट का जो है, क्योंकि उसमें छोटा सा खाली फल होता है, बाकी लंबा क्या है रेशेदार पार्ट होता है, हाँ जो पूरा डाब होता है, डाब की बात कर रहे हैं जो आप छील के पानी पीते हैं। सर हम ये इसका नहीं, हम शिप का बात कर रहे हैं। किसका? जहाज की बात कर रहे हैं। हाँ तो जहाज का तो उसके शेप की वजह से होता है, उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसके कारण उसका डेंसिटी जो प्रेशर वो अप्लाई करता है पानी पे वो कम होता है, जो फोर्स अप्लाई करता है तो उस पर जो वाटर का फोर्स है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से तैरता रहता है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम होता है। हाँ हाँ, एरिया ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, इसीलिए देखिए जहाज़ों को, जो वेट वाले जहाज होते हैं उनको खूब बड़ा बड़ा बनाया जाता है, कार्गो शिप जो होता है, हाँ हाँ हाँ, तो लंबे लंबे होते हैं फैले हुए, तो उसमें क्या उसकी वजह से उसका जो वेट बहुत ज़्यादा होने पर भी चूँकि वेट फैल जाता है पूरे एरिया में, तो उसका उतना प्रेशर वाटर पर नहीं होता है जिससे वो डूबता नहीं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स विच गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरी टू डिफरेंट डिस्टेंट प्लेसेस। स्पाइनी कांटेदार, ठीक है, तो यही कहा जाए कुछ बीज जो हैं जो कि जानवरों के द्वारा फैलाए जाते हैं, खास करके ऐसे बीज जिनमें हुक तरह का होता है, हुक है ना, हाँ तो नुकीले हुक, देखिए बीज होता है उसमें हम लोग खेलते थे बचपन में, एक दूसरे को चिपका देते थे, मारते थे दूर से चिपक जाता था, या आप झाड़ियों में से गुजरते थे तो पूरे कपड़ों में भर जाते थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल, और वुलन कपड़ा तो पहन लिए तो फिर तो इतना जोर पकड़ लेता था, या बालों में, तो कहने का मतलब है कि इस तरह के उसमें कांटेदार या हुक्स जैसे होते हैं सीड्स में बने हुए कि वो आसानी से फंस जाते हैं कपड़े में, शरीर में, स्किन में, चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर ज़ैंथियम एंड यूरेना, तो इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो ज़ैंथियम और यूरेना, ठीक है, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ क्वेश्चंस बनेगा तो खाली बेसिक आपको बनेगा कि जो ऐसा कैसे होते हैं सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, ठीक है, तो उसमें आ सकता है कि कांटेदार होते हैं तो वह जानवरों के द्वारा कैसे होते हैं, तो कांटेदार बीज होते हैं जो, ये सब, तो ये सब बेसिक खाली पूछेगा, ठीक है, नाम वाम इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, और जो अगर नाम आएगा तो इंडिया में पाए जाने वाले से आक अकमन तो उसके बारे में पूछ सकता है, सनफ्लावर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, ये सब जो है इंडिया के जो कॉमन ये हैं इनके बारे में पूछ सकता है, हाँ ये सब नहीं पूछेगा, साइंटिफिक नेम है।
जिसे हेयरी सीड लिख के आपको बोल सकता है कि हेयर्स क्यों होते हैं सीड्स में, ठीक है, सीड्स में हेयर्स क्यों होते हैं ये पूछ सकता है, उसके स्टेटमेंट में दे दे फॉर सीड डिस्पर्सल बाय विंड। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क्स। देखिए ये भी एक तरीका है, कुछ जो है ऐसे बीज होते हैं, हमने देखे हैं, होते थे हम लोग के यहाँ, वो क्या होता है जब उनका फल पक जाता है, पूरा फल जो होता है पक जाता है, खास करके इसमें भी होता है जो आक का होता है पेड़, तो उसका जैसे ही फल पक जाता है, सूख कड़ा होता है, तो एक दिन क्या होता है अपने आप फट जाता है, टाइट होता जाता है, समझे, और टाइट होते होते जब पूरी तरह पक जाता है तो एक दिन वो एक पुट से आवाज़ करके अपने आप फटता है, फटने की आवाज़ होती है उसकी, तो जैसे वो फटता है तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो बीज होते हैं वो दूर तक झटके से इधर उधर छितरा जाते हैं, तो ये उसका नेचुरल एक तरीका है कि जब वो फ्रूट्स उसके पक जाते हैं तो दे बर्स्ट ओपन, झटके के साथ फट जाते हैं, और फटते हैं तो उसके अंदर के जो बीज है वो भी फेंका जाते हैं इधर उधर। तो द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो हम लोग क्या है वो जब पूरा पका नहीं रहता था उसको दबाते थे तो फट जाता था, फटता था तो दूर उसके फैल जाते थे बीज वगैरह। दिस हैपन्स इन केस ऑफ कैस्टर एंड बालसम। कैस्टर जो है अरंडी इसे कहते हैं, हाँ कैस्टर, तो कैस्टर ऑयल यू, तो वही कैस्टर मैं आपको बता रहा था कि अब पेड़ थे हम लोग के आसपास, इसके भी बीज ऐसे होते हैं, और बालसम, बालसम एक पेड़ होता है तो कहीं कहीं होता है ये बालसम, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बालसम भी एक पेड़ होता है, हर जगह नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। ये कैस्टर ऑयल काफी लाइट है, हाँ, बहुत ही होता है, बहुत लाभकारी भी होता है बच्चों शरीर में दर्द वगैरह के लिए या खांसी वगैरह के लिए। नहीं खाने में नहीं, कैस्टर ऑयल खाने में नहीं, इसको खाने में नहीं, इसको सिर्फ बॉडी में मेडिसिनल इसका पर्पस होता है कैस्टर ऑयल को, या इनफैक्ट खाने में, मतलब पहले जो है, अब आजकल तो नहीं है रहा, पहले आज से 200 साल पहले तो इसको इस्तेमाल करते थे जो है, मतलब पेट ठीक रखने के लिए, डाइजेशन को ठीक रखने के लिए, हफ्ते में, हाँ हाँ हफ्ते में एक आध दिन पिला दिया जाता था बच्चों को कि पेट साफ रहेगा, तो पिला दिया जाता था पेट साफ करने के लिए, लेकिन अब स्मेल वगैरह थोड़ा सा रहता है, तो पहले भी बच्चों को ज़बरदस्ती पिलाया जाता था, अब नहीं इस तरह का यहाँ पर है हमारे कल्चर, वेस्टर्न यूरोप वगैरह में है कल्चर अभी भी, गांव वगैरह उनके रूरल एरियाज में, तो कैस्टर ऑयल को कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बट इस तरह से मेडिसिनल पर्पज़, घाव वगैरह हो जाता है या कोई इस तरह का उसमें यूज़ होता है, हाँ हाँ बाहर एप्लीकेशन में, स्किन में या दर्द है कहीं, हड्डी में चोट लग गया, दर्द हो रहा है, या यहाँ पर लगा देते हैं सीने वगैरह में, अगर सांस लेने में कोई दिक्कत है, सर्दी है, ये सब है, ज़ुकाम है उसमें, तो ये सब में यूज़ होता है, बाकी कुकिंग में यूज़ नहीं होता है कैस्टर ऑयल। So with this, our this chapter reproduction in plants is finished. हाँ ऑलिव यूज होता है, ऑलिव तो बहुत अच्छा है, सब होते हैं लगभग, कैस्टर ऑयल को कुकिंग के लिए नहीं यूज करते हैं, हाँ खूब बढ़िया से, बहुत अच्छा तेल, महंगा तेल होता है मूंगफली का, हाँ कैस्टर ऑयल कुकिंग के लिए तो हम नहीं जानते हैं अब जहाँ तक। ओके जैतून का महंगा है यहाँ, इसलिए कि यहाँ जैतून होते नहीं हैं, जैतून यहाँ होते नहीं, यूरोप ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में होते हैं, तो यूरोप से वो इंपोर्ट होते हैं, तो इंपोर्ट होते हैं तो नेचुरली महंगा रहेगा, यूरोप में वही चीज़ सस्ती होती है, जैसे यहाँ जो सरसों जिस तरह होता है वैसे ही वहाँ जैतून होता है, तो वहाँ के लिए वो सस्ता है, यहाँ के लिए सरसों सस्ता है, ठीक है, लेकिन अब वहाँ से यहाँ मंगाएंगे तो महंगा पड़ता है, इसी तरह यहाँ से वहाँ भी जाता है तो महंगा पड़ता है। तो देखिए जो इंडियंस बाहर में रह रहे होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में और कहीं कहीं, तो वहाँ इंडियन चीज़ों के अगर वो खाना चाहते हैं तो कॉस्ट बहुत महंगा होता है, ठीक है, समोसा आपको फ्रिज से निकाल के देगा 250 रुपये का, 250 से भी कम हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो और वो भी फ्रिज से देगा, हम लोग केरला में खाते थे
केरला में ही समोसे का कल्चर नहीं है, और वहाँ जो आपका जो है वो स्वीट समोसा होता है उसमें जन अंदर वो खोआ वगैरह भर के खाते हैं और वो फ्रिज में रखे रहते थे। हम लोग शुरू में अजीब लगता था केरला के, देखे कि अरे फ्रिज में समोसा रखे रहता है, हालांकि बैंगलोर वगैरह में भी फ्रिज ही में रखे रहता है, बड़े बड़े उसमें जाइएगा हर अच्छे ठीक ठाक रेस्टोरेंट में, तो वो वहाँ भी क्या है रेस्टोरेंट में रखे रहेंगे फ्रिज में, उसको आप जब खाना है तो उसको गर्म करके ओवन में दे देगा, कॉस्ट उसका उतना ही लेगा आपको, 100 रुपये का मांगेगा 200 रुपये का मांगेगा समोसा। तो कोई भी चीज़ नेचुरल है कि देखिए जहाँ का जो चीज़ नहीं है ओरिजिनल नेटिव नहीं है वहाँ का तो महंगा पड़ता है। हाँ मूंगफली का तेल देखिए साउथ में इधर महाराष्ट्र इधर साउथ गुजरात इधर त्रिपुरा होता है खूब, यहाँ मिलता नहीं है वैसे, वो मंगा लीजिए आप अमेजोन से तो आ जाएगा। सब यही नॉर्मल कंपनीज हैं, ऐसे एक शायद रुचि है शायद उसका, वो काफ़ी बिकता है पूरे इंडिया में, और भी कंपनीज हैं। अच्छा तेल होता है, मतलब सभी तेल है खाने के लिए अच्छे तेल। तो सरसों भी तो यूज कर ही सकते हैं। हाँ हाँ सरसों यूज कर, सरसों तेल यूज कर, सरसों तेल ठीक है बढ़िया है। ओके नेक्स्ट चैप्टर इज राइट चैप्टर 17। हाँ चैप्टर 17 फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट्स कॉलन दे दीजिए, आवर लाइफ लाइन। हाँ आवर लाइफ लाइन हमारी जीवन रेखा। लाइफ लाइन किसको कहते हैं, हाथ में देखते हैं मोटी लाइन एक। कौन सा लाइफ लाइन है? ये वाला है, ये वाला है। कौन सा लाइफ लाइन? इसमें कुछ लोग इसको कहते हैं कुछ लोग इसको कहते हैं, दोनों। हाँ हाँ अब वही है देखिए, अलग अलग है, कुछ लोग इसको कहते हैं कुछ लोग इसको कहते हैं, अब अलग अलग ज्योतिषों का मानना। हाँ फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ओके सो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट, व्हाट हैपेंस इन फॉरेस्ट, what biological processes take place in forests, how are forests important for us, और मतलब अब ये चीज़ तो बच्चे भी पढ़ते हैं कि forest का क्या महत्व है हमारे लिए, और ये PG या research करने वाले भी पढ़ते हैं कि forest का क्या importance है। ठीक है तो उसका हम level जो है बढ़ता जाता है, in depth आप बढ़ता जाता है। So here we will study about the forest, the biological processes, the different ecological concepts and their importance. Now, so राइट इसमें चलिए थोड़ा सा ये हाँ लिखिए, इफ वी विजिट अ फॉरेस्ट कॉमा our noise shorgul could disturb the animals living in the forest.
अब जैसे कि मान लीजिए आप अपने कमरे में अपने घर में बैठ के शांति से पढ़ रहे और अचानक वहाँ तीन चार गाड़ी वाले आ जाएं और तेज तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दें, तो कैसा इरिटेशन आपको फील होता है कि कौन आ गया भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है। इसी तरह से जब हम जंगलों में जाएं और वहाँ तरह तरह के शोर मचाना, हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं, मौज मस्ती शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या है कि वहाँ के जो जानवर हैं, जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे भी इनफैक्ट रह रहे होते हैं, तो उनको शोरगुल से उनको भी इरिटेशन फील होता है, डिस्टर्ब फील करते हैं। ठीक है, देन राइट, द ट्री टॉप्स, हाँ द ट्री टॉप्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस ग्रीन कवर ओवर द लैंड सो दैट द लैंड इज नॉट विजिबल जैसे आप दूर से किसी जंगलों को देखते हैं या पहाड़ों से देखते हैं पहाड़ों को, आपको जमीन दिखता है, खाली आपको पेड़ों का लगता है कि एक परत बना हुआ ऊपर, हरा हरा परत है, जमीन तो दिखता ही नहीं क्योंकि ऊपर वो ढक दिए रहते हैं पेड़। हाँ, द लैंड फुल स्टॉप, लैंड इज नॉट विजिबल फुल स्टॉप। हाउएवर कॉमा द ट्री कवर इज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन यानी कि जो आप हरा पूरा कवर जैसा देखते हैं लेकिन सबका कलर एक बिल्कुल नहीं रहता है, कहीं डीप ग्रीन रहेगा, कहीं लाइट ग्रीन रहेगा, है ना, तो शेड उसका जो है डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द उस पेड़ों के पत्तों का कैसा रंग है, उसके अनुसार आप देखते हैं कि कहीं लाइट ग्रीन होता है, कहीं डीप ग्रीन होता है, ठीक है, कहीं पीले भी होते हैं, अगर पत्ते पके हुए हैं सूखे हुए हैं तो पीला भी दिखता है, तो इस तरह से उनका शेड अलग अलग होता है। राइट फुल स्टॉप, हाँ एक जैसा हरा नहीं होता है, नॉट भी है ना, हाँ नॉट यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा हरा बिल्कुल नहीं होता है, अलग अलग कलर होता है, कहीं डीप ग्रीन होगा, कहीं आपको लाइट ग्रीन दिखता है, जैसे पहाड़ के एक ढलान पे आप देखेंगे तो डीप ग्रीन दिखेगा, दूसरे ढलान पे देखेंगे तो थोड़ा लाइट शेड होगा, हाँ रहेगा ग्रीन ही या येलो भी रह सकता है, सूखा हुआ है पत्ते तो येलो भी दिखता है, येलोइश दिखता है। हाँ फुल स्टॉप, फिर लिखिए, वी मे हियर असट क्या हो, भर लीजिए
we may hear H-E-A-R. We may hear a sudden sound of birds and some noise from the top branches of the trees. Full stop. Of the trees. Now, ठीक है, animals often give such type of warning call. Warning, N-I-N-G, chetavani. Warning call to alert other animals. क्या होता है, कहीं आप जंगल में जा रहे हैं, घुस रहे हैं, तो अचानक से कोई तेज से चिल्लाता है, कोई जानवर, कोई बंदर, कोई चिड़िया, उससे क्या दूसरे जानवर भी चौंक जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि लगता है कोई आ रहा है. ठीक है, कोई जानवर फड़फड़ा के तेजी से उड़ेगा, चिड़िया कोई, ठीक है, तो उससे भी जानवर सचेत हो जाते हैं कि लगता है उधर से कोई आ रहा है. फुल स्टॉप. मेनी एनिमल्स like boar, B-O-A-R, जंगली सुअर को boar, boar, comma, bison, कहीं wild boar भी लिखा रहता या खाली boar भी रहता, bison, comma, jackals, कॉमा पॉर्क्यूपाइन, P-O-R-C-U-P-I-N-E, पॉर्क्यूपाइन, कॉमा एलिफेंट्स, लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ फॉरेस्ट. Full stop. People should not go deep in the forest unnecessarily. यानी बिना जरूरत ज्यादा अंदर जंगलों में नहीं जाना चाहिए. यू, हाँ, NNECE SSARILY, और उसके पहले UN, अन लगा दो. हाँ ठीक, अननेसेसरी. फुल स्टॉप. वी have already studied
studied forests as a habitat full stop T was habitat full stop the forest provides a home for many animals and plants. ठीक है, full stop. Trees like sal, comma teak, teak, teak. हाँ, teak जो है इसी को, ये बहुत महंगी लकड़ी होती है, teak समझे, इसी को कहते हैं सखुआ. हाँ, teak है. तो इसकी बड़ी इंडिया में लगभग सबसे महंगी इसी की लकड़ी होती है. ठीक. हाँ, बहुत मजबूत लकड़ी होती है. हर सौ होता है. तो इसके जो हैं लकड़ी बहुत मजबूत होती है, ख़राब नहीं होती है, इस वजह से इसकी लकड़ियों का फर्नीचर्स वगैरह बिकना बहुत महंगा होता है, आम आदमी से पॉसिबल नहीं है. जैसे पेड़, अब पेड़ के हिसाब से होता है, तो एक्चुअली इसका काटने पर ही बैन लग चुका है. ठीक है, तो इस वजह से है कि अब आप उसको किसी तरह से करवाइएगा तो अननेसेसरी पैसा लेता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लीगल तो नहीं है. ठीक है, तो इसको बैन किया जा चुका है. ठीक, ठीक है. अब जहाँ होता है एमपी वगैरह में बहुत होता है फॉरेस्ट में, तो वहाँ लोग चुपके काट लेते हैं. और काम तो देखिए हर काम हो ही रहा है, शराब बैन अभी आरम्भ ही रहा है, तो वही हाल है. ठीक है, लेकिन ऐसे टीक को बैन किया गया है. तो साल शीशम हो गया, ये साल सागवान को कहते हैं, साल का भी महंगा होता है, फिर सागवान भी अच्छा महंगा होता है, अच्छी बहुत मजबूत लकड़ी होती है. टीक हो गया, जैसे टीक के फर्नीचर वगैरह आप तो बहुत कई लाखों में बहुत महंगा चला जाएगा. हाँ, तो अभी तो शीशम वगैरह का ही लाख पहुंच जाता है, तो ये सब तो बहुत महंगा है. ठीक. हाँ, कॉमा सेमल, एस ई एस, नहीं नहीं, एस ई एम ए एल, सेमल का पेड़ होता है. सेमल कॉमा शीशम, एस एच एस एच एस एच डबल ई एस एच ए एम, शीशम ए एम, शीशम कॉमा नीम, अभी सब कॉमन नाम आपको लिखा दिया जा रहा है. ठीक है, सब का साइंटिफिक नेम अलग होता है, लेकिन कॉमन जो हम नाम है, हाँ, नीम कॉमा पलाश, पी ए एल ए एस एच, पलाश कॉमा फिग, एफ आई जी फिग कॉमा खैर, खैर के एच ए आई आर, खैर, इसकी लकड़ी सस्ती होती है, तो हाँ, खैर कॉमा आमला, हाँ आमला ए एम एल ए लिख लीजिए, आमला कॉमा बैम्बू, सस्ता भी नहीं होता है. ठीक है,
सस्ता कहने को कहिएगा तो सस्ता तो नहीं होता है, लेकिन ठीक ठाक है, सस्ता ही, मतलब लकड़ी से कंपेयर करिएगा तो सस्ता ही है, ठीक है। तो बैम्बू का लाइफ भी बहुत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाँ पेंट वेंट कर दीजिए थोड़ा, तो जितना है उतने मजबूत भी रहता है, बैम्बू कॉमा कचनार, KACHNAR, कचनार एटसेट्रा। ये सेंटेंस कैसे शुरू, ट्रीज लाइक, हाँ ठीक है, आर कॉमन इन इंडियन फॉरेस्ट्स। फुल स्टॉप। देयर आर सेवरल अदर ट्रीज ट्रीज कॉमा श्रब्स हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। फुल स्टॉप। द फॉरेस्ट फ्लोर द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज हम आपको सबके फोटोज भेज देंगे पेड़ों के, ठीक है, थोड़ा आप आइडेंटिफाई उसे कर सकते हैं। हाँ क्या लिखे, आर कवर्ड विथ, नहीं आर ऑल्सो कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स का क्या स्पेलिंग लिखते हैं, CREEPERS। CREEPERS, क्रीप, क्रीप से बना है क्रीपर, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, चढ़ना, रेंगते हुए चढ़ना, तो उसी से बना क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। किसी दुष्ट को भी क्रीप कहते हैं आजकल, ठीक है, दुष्ट या घटिया आदमी के लिए भी आजकल क्रीप, यू आर अ क्रीप। पापी को तो सिन कहते हैं, नहीं सिन तो अलग है, सिनर कहते हैं, सिन नहीं, सिन पाप को कहते हैं। सिनर पापी हो गया और दुष्ट हो गया क्रीप, घटिया आदमी, दुष्ट, बेकार वाली एकदम आदमी, दुष्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। क्रीप, क्रीप भी आजकल यूज करते हैं उसके लिए। ऐसा वर्ड, ऐसे कोई वर्ड पर्टिकुलर वर्ड जो बहुत वर्ड हैं, वाइल, वाइल VILE, हाँ वील, घोर दुष्ट जो उसको वाइल कहते हैं, VILE, वाइल, वाइल से ही बना है विलेन, ठीक है, वाइल से ही बना है विलेन, जो ऐसी दुष्टता करता है तो विलेन उसको कह देते हैं, वाइल से बना है। बहुत वर्ड्स हैं, चलिए। से
उसको ठीक है, ये सब है, वाइल हो गया, क्रुक, क्रुक भी कहते हैं, CROOK, और आप उसमें रैस्कल भी कहते हैं। रास्कल गाली नहीं है, रास्कल दुष्ट के लिए ही कहते हैं, बदमाश, दुष्ट, क्रूक हो गया, ठीक है, हम्बग, हम्बग भी कहते हैं, HUMBUG। क्रीप, हाँ क्रीप भी, आजकल क्रीप आप आसानी से किसी को बोल सकते हैं, EP, क्योंकि ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है, तो हाँ ज़्यादा इस्तेमाल क्रीप का आजकल फिल्मों में भी देखिएगा, पढ़े लिखे रहेगी लड़कियाँ लड़कों को गाटे, यू आर सच अ क्रीप, या डोंट बी सच अ क्रीप, ठीक है। खैर हाँ चलिए, हाँ बाय, चलिए क्लाइंबर्स, फुल स्टॉप। द सन इज बेयरली विजिबल BARELY, बेयरली, BARELY, बेयरली विजिबल, थ्रू द लीव्स, थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज, कॉमा, मेकिंग इट क्वाइट डार्क, मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, इनसाइड द फॉरेस्ट, फुल स्टॉप। तो क्या है कि यहाँ आप देखते हैं कि जंगल में आप जाते हैं या जंगलों से गुजर रहे होते हैं, आजकल तो इतने हर जगह सड़क बन गए हैं जंगलों के रास्ते से, हरिद्वार आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे जंगलों से आपको गुजरना होता है, तो उसमें आप बहुत तरह के पेड़, आपको कई कॉमन नाम हमने लिखा दिया, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा वैरायटी है पेड़ों की, लेकिन कुछ कॉमन जो हर जगह पाए जाते हैं, ये नाम आपको पेड़ों के लिखाए जो कि आम कहीं भी जंगलों में आपको दिख जाते हैं। उसके साथ साथ जो है और भी कई तरह के पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, घास फूस हैं, ये सब भी आपको जंगलों में होते हैं, और जो जो जंगल की ज़मीन है वो इनसे इतनी ज़्यादा भरी हुई रहती है, और साथ ही साथ जो लताएं होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ती रहते हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, तरह तरह की लताएं और बेल, ठीक है, ये सब भी पेड़ों पर फैले रहते हैं, तो इतने घने हो जाते हैं कि आप अगर जंगल में से सूरज को देखना चाहिएगा तो बड़ी मुश्किल से आपको उसका एक आध बिंदु दिखेगा, पत्तों से छन के आता हो, कहीं भी इतना खुला जगह नहीं होता है कि आप उससे सूरज को देख सकते हैं, तो इतना घना जंगल हो जाता है। हाँ, तो पत्तों से हार्डली आपको रोशनी जैसा हल्का बहुत दिखता है, नहीं तो काफ़ी, हाँ कैनोपी, पूरा जो उसको बितान कहते हैं, जो पूरा मिल जाता है सबका, एक दूसरे में झुंड बन जाता है, तो उसको हम पत्तियों का झुंड, हाँ कैनोपी कहते हैं, तो फॉरेस्ट कैनोपी कहते हैं, जंगल में जो सभी पेड़ों की एक दूसरे, तो इतना कि अंधेरा कर देते हैं जंगल में, रोशनी नीचे नहीं आती, तो मेकिंग इट क्वाइट डार्क इन साइड द फॉरेस्ट, लिख लिए यहाँ तक, कहाँ तक लिखे लास्ट में, डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, ठीक है। हाँ,
और लिखिए वी मेक many things in our home, many things in our home from materials, from materials obtained from forest. From forests. Full stop. Wooden items like plywood, fuel wood जलाने वाली लकड़ी, कॉमा boxes बक्से बनाते हैं, कॉमा paper कागज बनता है, कॉमा matchsticks and furniture etc. are some examples full stop. Gum comma oils कई तरह के तेल हैं जो लकड़ी पेड़ों से मिलते हैं. आजकल तो और ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्रैग्रेंट खुशबूदार तेल जो होते हैं पेड़ों से मिलते हैं. चंदन का तेल तो बहुत, जैसे चंदन का है और बहुत सारा है. ऑयल्स कॉमा स्पाइसेस कॉमा फॉडर फॉर एनिमल्स FODER फॉडर चारा कहते हैं. फॉडर फॉर्डर फॉर एनिमल्स नहीं, फॉर्डर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स. आजकल देखिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जितना भी आप आयुर्वेद में कर रहे हैं सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट से मिलता है. और ये कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं मेडिसिनल प्लांट्स. आर सम अदर एग्जाम्पल्स या आर सम अदर प्रोडक्ट्स, आर सम अदर प्रोडक्ट्स अदर प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. फ्रॉम फॉरेस्ट देखिए ये सब जैसे आपको लिखाया जा रहा है इसके बहुत यूज़ है. एक तो पीटी वगैरह में जो है वो तो एक बात है, मेंस में आपको अगर इन सब पे क्वेश्चन आता है ठीक है, जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ एससे अब आपका जो आ गया एससे में भी अगर कोई इकोलॉजी बेस्ड या मतलब एनवायरनमेंट बेस्ड आता है ठीक है, तो वहाँ भी आप इन सबको बड़े अच्छे से लिख सकते. जैसे फॉरेस्ट्स पर कुछ आता है या क्लाइमेट पर कुछ आता है जहाँ कि आपको फॉरेस्ट के बारे में लिखना है, समझ गए, फॉरेस्ट्स, तो ये सब जो है वहाँ आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसलिए अच्छे से इसको लैंग्वेज वगैरह भी आपको सिंपल है कि समझने में और समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने वर्ड्स में भी इन सब चीज़ों को आप समझ के लिख सकते हैं वहाँ. तो ये हर जगह इस्तेमाल होगा, आपको पीटी हो गया, मेंस में हो गया आंसर राइटिंग में और एसे राइटिंग में,
और साथ ही साथ ज्योग्राफी आपके ऑप्शनल में, ठीक है, ऑप्शनल में भी पीटी में नहीं, ध्यान से उतर गया था। आप हमको एक बार रिमाइंड दिन में, हम व्यस्त हो जाते हैं ना कि इतना चीज़ में ध्यान नहीं रहता है, आप एक बार हमको किसी टाइम मैसेज खाली कर दीजिएगा। हाँ खाली कि सर एक बार चेक कर लीजिए, ध्यान से उतर जाता है। खैर आइए। हाँ तो इस तरह से आपको बताया कि इसको अच्छे से समझ लेना है, इसलिए आपको ये लिखा रहे हैं इजी लैंग्वेज में। बड़े ही आपने कहा था कि सर नोट्स भेज देते, तो इसलिए भेजना क्योंकि हम मॉडिफाई करके आपको बड़ा ही एक सिंपल इसमें लिखा रहे हैं, ताकि उसको आप समझ सकें और अपने वर्ड्स में लिख भी सकें आंसर्स में या इससे में। हाँ कहाँ तक हुआ? सम अदर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट्स। ओके आगे लिखें। हाँ राइट, नेचर नहीं, इन नेचर कर दीजिए, इन नेचर कॉमा ट्रीज, ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स टू ग्रो इन टू ग्रो इन टू बिग ट्रीज ऑटोमेटिकली, अपने आप फैलते जाते हैं, जंगल घने हो जाते हैं, उनको किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आप काटिए नहीं तो अपने आप जंगल बस जाते हैं, बस गए हैं ऑटोमेटिकली, फुल स्टॉप। द फॉरेस्ट फ्लोर, द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड डबल ओ आर प्रोवाइड्स एन प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट एंड डेवलप into seedlings, seed एक ही वर्ड है, लिंग्स LINGS। तो बीज से जब छोटा सा शूट निकलता है ना, थोड़ा सा ही रहता है, एक आध इतना छोटा मोटा आपके हथेली या उससे छोटा, तो उसको हम सीडलिंग कहते हैं, ठीक है। बीज से जब थोड़ा सा अंकुरित हुआ रहता है, एक छोटा सा शूट, उसको सीडलिंग कहते हैं। ठीक है आगे लिखेंगे। हाँ 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 अंकुरित अंकुरित पौधा लिख सकते हैं, क्या कहें उसको हिंदी, शूट को अब हिंदी में क्या है मुझे ध्यान नहीं। आगे लिखेंगे। शूट बन रहा है, शूट बन रहा है, सीडलिंग्स फुल स्टॉप। इफ वी लुक अप, अलग है, एंड ऑब्जर्व
observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants. In the forest, full stop. We call it the canopy. है ना, जब हम किसी विशाल पेड़ को नीचे से देखते हैं तो लगता है कि ऊपर एक हमारे ऊपर और बाकी पौधों के ऊपर एक छत जैसा बना दिया है ना, ढंक दिया, उसको हम मिला हुआ पत्ती टहनी सब मिल जाते हैं तो ढक देते हैं, लगता है कि ऊपर छत जैसे है। और बहुत सारे पेड़ अगर हो तो वो तो सब मिल जाते हैं जंगल में, तो फिर तो लगता है कि पूरा ढंक दिया ऊपर से, पूरा जंगल ही ढका हुआ। तो खैर, ऐसे पेड़ों का जो झुरमुट होता है पत्तियों का, टहनियों का, उसको हम कैनोपी कहते हैं। जैसे आजकल घरों के भी आगे लोग मॉडर्न होम्स में बनवाते हैं, या होटल वगैरह के आगे आप देखते हैं, या घरों बड़े बड़े अगर होटलों में आप जाएंगे तो अंदर कहीं कहीं इस तरह से, या घर के गेट के बाहर पिलर जैसा बना के दो चार पिलर से इस तरह से छोड़ा रहता है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहता है पिलर जैसा बना के। तो उसके ऊपर क्या है कि वो कुछ होता है ऐसे घास वास लगवा देते हैं, वहाँ बैठने के लिए हो जाता है, ठीक है, वो ढक देता है इस तरह से, ऊपर पिलर्स बने रहते हैं उन पर घास वास चढ़वा, बेल वगैरह लग जाती है, लताएं वगैरह, तो छत जैसा वहाँ बैठने के लिए, धूप से भी बचाता है, और शादी वादी में उसको लाइट वाइट्स लगवा के या कोई फंक्शन वगैरह में उसको भी, तो कैनोपी इसको भी कहते हैं। या आप देखिए एंट्रेंस पर पूरा पत्तियों से ढक देते हैं पूरा रास्ते को, है ना, फूल पत्तियों से, उसको भी। तो मंडप को मंडपम ही लिख देते हैं आजकल उसको इंग्लिश में, कोई क्योंकि देखिए वैसा चीज इंग्लिश में है नहीं, पवेलियन तो अलग चीज हो गया, हाँ, तो मंडपम ही कह देते हैं उसके लिए। फोरग्राउंड भी नहीं है, ठीक है, पवेलियन तो होता है कि कहीं किनारे बैठने की जगह किसी चीज के, मैदान के आसपास जो होता है उसको कहते हैं। नहीं, कोई उसका क्योंकि इंग्लिश में है नहीं तो प्योर वर्ड मिलेगा नहीं, तो उसको मंडपम ही आजकल हम लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं आ गया। बताए थे कुछ शायद आपको, अच्छा चलिए, कैनोपी फुल स्टॉप, कैनोपी को अंडरलाइन और कोट्स में कर देंगे। नाउ राइट, नीचे से नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इफ वी ऑब्जर्व द ट्रीज, इफ वी ऑब्जर्व, बोले आप ऑब्जर्व लिख देते हैं, OBSERVE, चलिए OBSERVE, हाँ, ऑब्जर्व द ट्रीज विच
we can see different characteristics of trees such as height, comma, shape of leaves, comma, crown, comma, flowers, and fruits. क्राउन कहते हैं पेड़ के जो शेप होता है ऊपर उसको, जैसे कोई पेड़ आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से आपने ड्रॉ किया, तो ये जो हो गया शेप हो गया, ये उसका क्राउन कहते हैं। कोई पेड़ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, कोई पेड़ जो है ऐसे हो सकता है इस तरह से, ठीक है, कोई इस तरह से हो सकता है, मतलब अलग अलग शेप। तो ये जो शेप होते हैं उसके मोटे तौर पर उसको क्राउन कहते हैं, जैसे मुकुट होता है वैसे अपर पोर्शन का जो शेप होता है। राइट, क्या लिखे, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फुल स्टॉप। ट्रीज हैव क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एंड साइजेस। Full stop. These layers are known as understories, under पहले लिखिए UNDER, उसी में लिखिए STOREYS, स्टोरी कहते हैं ना बिल्डिंग के अलग अलग तल, तो अंडर स्टोरीज अंडरलाइन कर दी।
लिखिए, अंडर स्टोरेज लिखे, अंडरलाइन किए उसको, अंडर स्टोरेज, हाँ फुल स्टॉप लिखे इसमें आगे, जायंट एंट, ये आपको समझाने के लिए बना दिए हैं, बनाना जरूरी नहीं, लिखिए, जायंट एंड टॉल ट्रीज, जायंट GIANT, जायंट एंड टॉल ट्रीज फॉर्म द टॉप लेयर फॉलोड बाय ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज एंड प्लांट्स कॉमा श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड कॉमा एंड देन हर्ब्स एंड ग्रासेस, HERBS, हर्ब्स एंड ग्रासेस फॉर्मिंग द लोएस्ट लेयर, फॉर्मिंग द लोएस्ट लेयर, ठीक है। तो यहां अगर आप देखेंगे, ये कॉमन फॉरेस्ट का है, आम कहीं भी आपको मिल जाएगा, और कम से कम इसमें 6 लेयर तो आपको मिनिमम मिल जाएगा कहीं भी। अब इसको देखेंगे कि सबसे पहले जो ऊंचे पेड़ है, ऊंचे ऊंचे जो कुछ पेड़ होते हैं, यहां आप देख सकते हैं सामने दिखेंगे आपको खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं बाहर इस तरफ छत से, अगर आप देखेंगे बाहर से, तो दे फॉर्म द टॉप लेयर, उनका जो होता है एक झुंड होता है कैनोपी का, तो वही कैनोपी बनाते हैं, टॉप लेयर जो होता है, ठीक है। हालांकि सब कैनोपी है, लेकिन जब हम सबको एक साथ पढ़ रहे हैं तो इसको हम टॉप को कहते हैं कैनोपी। तो टॉप लेयर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों का झुरमुट होता है आपस में, उसको बोलते हैं। उसके नीचे फिर कुछ मीडियम हाइट के ट्रीज होंगे, उनका एक अलग लेयर बन जाता है, ठीक है, इस लेयर का। उसके नीचे फिर स्मॉल ट्रीज होंगे, ठीक है, जो आपके जैसे ये सब नॉर्मल हाइट के ट्रीज हैं, ठीक है, 10 फीट तक। आप हाइट वाइज ही अगर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गए आपके करीब करीब 50 फीट के आसपास, ये पेड़ जो हो गए, उसके नीचे ये जो मीडियम में हो गए, ये लगभग आप मान लीजिए 30 फीट के आसपास हो गए। उसके नीचे फिर ये जो पेड़ हो गए, ये मान लीजिए 15 फीट के आसपास हो गए हाइट में। उसके नीचे फिर छोटे पौधे हो गए 6-7 फीट के, 6-7 फीट 8 फीट के जो छोटे पौधे हो गए, ठीक है। उसके नीचे फिर आपको झाड़ियाँ मिलेंगी जो कि आपको 3-4 फीट, और उसके नीचे जो लोएस्ट है जिसमें घास और छोटी घास, तो घास आप छोटे देख रहे हैं, वहाँ से लेके 1-2 फीट, 1-2 फीट के, ठीक है, जो घास और छोटी झाड़ियाँ हो गई। तो ये आपको 6 लेयर तो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंचे पेड़ जो 40 फीट 50 फीट के होंगे, उसके नीचे मीडियम हाइट के पेड़ होंगे जहां तहां 30 फीट के, उसके नीचे फिर और उससे छोटे हाइट के जो है 15 फीट के, तो आम पेड़ होगा जो भी यहां आसपास देख रहे हैं 15 फीट के। उसके नीचे फिर छोटे छोटे पौधे ऊंचे ऊंचे फूलों के भी होंगे या उस तरह के, तो वो 6-7 फीट के हो गए। उसके नीचे फिर झाड़ियाँ जो होती हैं, झाड़ियाँ तो ऊंची ऊंची झाड़ियाँ यहाँ तक तो आम रहेंगी झाड़ियाँ जो है, तो वो 3-4 फीट तक रह गई। और उसके नीचे बिल्कुल जो तली पर ही रहते हैं बॉटम पर, घास हो गए और छोटी छोटी झाड़ियाँ 1/2-1/2 फीट की, या थोड़ा बड़ा हुआ तो 1-2 फीट के। तो इतना लेयर तो आपको कहीं भी मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा लेयरिंग मिलता है डेंस फॉरेस्ट,
ठीक है, क्योंकि हाइट वहाँ बहुत वेरी करता है ट्रीज का, ग्रासेस भी बड़े बड़े रहते हैं और भी बड़े बड़े रहते हैं। तो खैर अभी हम एक जनरल लिए, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, आपको मैंने ड्रॉ कर दिया समझने के लिए, ये टॉप टॉल ट्रीज हो गए, फिर मीडियम हाइट के ट्रीज हो गए, ये स्मॉल ट्रीज हो गए, फिर प्लांट्स हो गए, फिर हर्ब, ये श्रब्स हो गए, बड़ी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, उसके नीचे हर्ब्स एंड ग्रासेस जो कि लोएस्ट लेयर फॉर्म करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम, तो इसको कैनोपी और इनको अंडर स्टोरीज कहते हैं, अंडर स्टोरीज। हाँ आगे लिखेंगे, हाँ लिखिए, आगे लिखिएगा, ड्यू टू, नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नीचे लिखिएगा, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉमा देयर आर वेरिएशंस। अच्छा इसमें एक बात बता दें, यहाँ जैसे होता क्या है फॉरेस्ट में कि आप देख लिए कितना लेयर होता है, तो ऊपर वाले से ही बड़ी मुश्किल से आप आते हैं सनलाइट नीचे, समझ गए, ऊपर वाला तो आने दिया, फिर उसके बाद ये जो लेयर आ गया ये मूल के तो बिल्कुल ही रोक लेता है। इसके कारण भी क्या होता है कि क्योंकि सनलाइट जरूरी है, सनलाइट के बिना प्लांट जीवित नहीं रह सकता है, उसके कारण भी क्या होता है कि हर प्लांट कोशिश करता है कि हमको किसी तरह सनलाइट मिल जाए, तो उसकी वजह से भी हर कोई ऊंचा से ऊंचा ग्रो करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऊंचाई पर यहाँ अब इसको मिलेगा कुछ भी सनलाइट, इसके ऊपर तो 5 लेयर फिल्टर करने के लिए आ गए। तो हर जो हर वैरायटी जो होता है वो ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा ग्रो करे ताकि उसको थोड़ा सनलाइट मिल जाए उसको। तो इस वजह से फॉरेस्ट में पेड़ जो है बड़े ऊंचे ऊंचे, घास पास फूस भी, झाड़ियाँ भी बड़ी ऊंची ऊंची होती हमारे और खुली जगहों के बगैर, क्योंकि वहाँ उनको सनलाइट नहीं मिलती, और सनलाइट के लिए भाई हाहाकार मचा रहता है उनमें, तो उसलिए कोशिश करते हैं कितना ऊंचा चढ़ जाए, बेल भी जो है ऊंचे ऊंचे यहाँ तक पहुँचा रहेगा लताएँ वगैरह से, तो उनको भी सनलाइट चाहिए। तो ड्यू टू फियर्स कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट दे ग्रो टू वेरी बिग हाइट्स इन फॉरेस्ट। हाँ घास भी ऊंचा ऊंचा रहेगा, घास भी, आम घास भी 8-8, 10-10 फीट का रहेगा, ठीक है, घास भी जो है बड़े ऊंचे ऊंचे हो, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत सनलाइट चाहिए। हाँ चलिए आगे लिख रहे थे, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉमा देयर आर वेरिएशंस variations in the types of trees and other plants. Full stop. The types of animals also differ from differ from forest to forest. तो होता क्या है कि अब एक जगह हम कहीं जब बिहार के जंगल में गए, झारखंड के जंगल में गए, राजस्थान के जंगल में गए, मध्य प्रदेश के जंगलों में गए, गुजरात में गए, तो अब ऐसा नहीं कि हर जगह जंगलों में भी एक ही तरह के पेड़ मिलेंगे,
बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेट सब जगह अलग अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का थोड़ा अलग है, फिर राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, गुजरात का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, मेघालय का अदर है, कश्मीर का अलग है. तो इन सब जगह आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको ट्रीज की वैरायटी अलग हो जाएंगी, उनके हाइट्स डिफर मिल सकते हैं, लकड़ी की जो उसकी हार्डनेस है वो अलग हो सकती है. ठंडे जगहों पे जो अगर थोड़ा क्लाइमेट जहाँ ठंडा होता है वहाँ लकड़ियाँ जो है सॉफ्ट होती हैं, और जहाँ आपका गर्मी ज़्यादा है उसका लकड़ी इतना हार्ड रहेगा. बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ ऐसा देखिए साउथ अमेरिका सब में इतनी क्यूब्रा को पढ़ाया था आपको, ऐसी लकड़ी एक्स ब्रेकर कहते हैं, कुल्हाड़ी टूट जाता है उसको काटने, ठीक है. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही लकड़ी वहाँ की हार्ड होती है, जितना ठंडा होगा उतना ही मुलायम होगा. कनाडा में देखिए लकड़ी पेपर उससे छील दीजिएगा उसको आराम से, हाथ से ही आप उसको छील ले सकते हैं, कितनी मुलायम उससे पेपर बनाने में. कनाडा पूरा पेपर बनाने में वहाँ की लकड़ी का इस्तेमाल, तो सॉफ्ट कड़ी लकड़ी का थोड़े बनेगा. ये सब लकड़ी जो हार्ड होता है इसका थोड़े पेपर बनता है, नहीं, मुलायम लकड़ी का बनता है. तो इस तरह से मतलब ट्रीज की वैरायटी, उनके हाइट्स, उनके लीव्स का शेप, लीव्स का कलर, उनके वुड का हार्डनेस, ये सब चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है. उसी तरह से जानवर भी जो है वो अलग हो जाते हैं, अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स में अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप, राइट. वी कैन फुल स्टॉप वी मे ऑल्सो सी ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज FLIES. जैसे अभी हम बताया कुछ दिन पहले गांव गए थे, तो बहुत दिन बाद गांव में मैंने तितलियों को देखा, ठीक है. तो मतलब बचपन के बाद देखा ही नहीं, ठीक है. तो गांव में जो है वो अभी भी आपको पोखर वगैरह के आसपास घास पास के मैदान है जहां वहां पर आपको तितलियां दिख जाती, ठीक है. तो गायब हो चुके हैं शहरों और डेवलप्ड इलाकों से. जुगनू भी हाँ दिखेंगे गांव में आपको, जहाँ खेत वेत हैं खूब वहाँ दिखेंगे. हाँ, हाँ, बच्चों के यही हम लोग के समय में आकर्षण हुआ करते थे, इनके पीछे भागते रहते थे, खेलते रहते थे. टीवी भी कम ही चलता था, लाइट ही नहीं इतना रहता था. चलिए आइए. तो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लाइंग हेयर एंड देयर ऑन फ्लावर्स ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स HERBS, full stop, ठीक है, full stop. We also find, क्या topic? लंबा टॉपिक, हाँ, ये एक दो ही में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. टॉपिक में ही चैप्टर, हाँ, मैं दो तीन टॉपिक हैं ऐसे बड़े बड़े. हाँ, हर्ब्स, फुल स्टॉप. वी ऑल्सो कम अक्रॉस न्यूमरस NUMEROUS, numerous मतलब कई सारे, बहुत सारे, numerous insects, comma, spiders, comma, squirrels, ये
एस क्यू यू आई डबल आर डबल आर ई एल एस स्क्विरल्स कॉमा एंट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन बार्क ऑफ ट्रीज कॉमा प्लांट लीव्स and on decaying leaves and on decaying leaves on the forest floor floor full stop the forest floor is dark colored dark colored बड़े अचानक से परफ्यूम की खुशबू आई चलिए डार्क लेयर डार्क कलर एंड कवर्ड विथ a layer of dead and decaying leaves पुरुषों को बहकाने वाली स्मेल है सब dead and decaying leaves देखिए खुशबू का भी जो है जीवों पर बड़ा एक गहरा असर होता है खुशबू से क्या होता है एक्चुअली कि देखिए जैसे अभी हम आपको इसमें भी लिखाएंगे कि आप जाते हैं जंगलों में तो कितने तरह के फूल होते हैं उनकी अलग अलग खुशबू होती है तो कलर्ड होते हैं देखिए आप जंगलों में जाएंगे बहुत अलग अलग कलर के पेड़ पौधे फूल पत्ती सब जो है बहुत अलग अलग कलर के होते हैं तो खुशबू और कलर ये दोनों होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए टू अट्रैक्ट और अट्रैक्ट किस लिए कई कारणों से अट्रैक्ट होता है सबसे पहला जो अट्रैक्शन होता है ताकि जो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो फूल इतने सुंदर क्यों होते हैं जानते हैं इतने कलर्ड क्यों होते हैं ताकि जो भंवरे हैं जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास आए अट्रैक्ट होके और जब वो आएंगे तब उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनके बॉडी में चिपक जाएंगे और फिर वो जाएंगे दूसरी जगह तो वहाँ जाके उनका फर्टिलाइजेशन होगा तो उनके रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आए कोई बाहर से अगर कोई आएगा नहीं तो होगा उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा कोई अलग थलग फूल पेड़ पड़ा हुआ कोई जा ही नहीं रहा वहाँ पे तो उसका होगा आगे ग्रो होगा वो नहीं होगा इसके लिए ईश्वर ने सबको अलग अलग कलर और साथ ही खुशबू भी दिया तो खुशबू से जो जीव जंतु हैं जानवर हो गए हमारे जैसे इंसान हो गए तो खुशबू से वो खींच के उसकी तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो फिर वो हमारे बॉडी में लग जाते हैं चिपक जाते हैं या हम उनको तोड़ भी लेते हैं कई बार और तोड़ के वो फूल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो इस तरह से तो ये ईश्वर ने दिया है फॉर अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फॉर रिप्रोडक्शन अब प्लांट्स का तो ऐसे होता है एनिमल्स में इसलिए दिया है ताकि वो अपने अगर नर है तो मादा को मेल है तो फीमेल को या फीमेल है तो मेल को अट्रैक्ट करे जब आएंगे अट्रैक्शन होगा उनमें प्रेम होगा तो रिप्रोडक्शन होगा
हाँ स्मेल, खुशबू से, ठीक है। और ये भी जो कल्चर है परफ्यूम्स का, इसका भी सेम पर्पस है, टू अट्रैक्ट द अदर जेंडर, ठीक है। तो खुशबू का मतलब बहुत सारे आगे पढ़ेंगे तो जानवर जो हैं वो अपने पर्टिकुलर खुशबू छोड़ते हैं इस तरह कि उनके उनका जो स्पीसीज़ का जो दूसरा जेंडर होता है वो समझ जाता है कि हमारा दूसरा अपोजिट जेंडर कहीं आसपास है। तो ये भगवान का बनाया हुआ, नेचर का बनाया हुआ है इस तरह का। और दूसरा भी कारण होता है खाने के लिए, बहुत सारे कीड़े जो मकोड़े हैं ऐसे प्लांट्स और फ्लावर्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो कीड़े को खाते हैं, उनमें भी खुशबू और रंग होता है ताकि कीड़े जाएं और जाएं तो फंस जाएं उनमें, उनको फंसा के खा लें, ठीक है। तो उनको फूड के लिए भी इसके कारण होता है कि भोजन कैसे मिलेगा जब कोई आएगा नहीं, तो उनके लिए भी इस तरह का ये होता है। इसलिए बहुत सारे जो पैरासिटिक एनिमल्स या जो शिकार करने वाले होते हैं या जो दूसरे का चूस के खून वगैरह चूस के, बहुत सारी लताएं ऐसी होती हैं जो जानवरों को पकड़ लेती हैं, उसमें लपेट लेती हैं, फिर उनका खून चूसना शुरू करती हैं। तो ये सब इसीलिए खूबसूरत होते हैं, बहुत कारण। हाँ चलिए आइए, डिकेइंग लीव्स कॉमा फ्रूट्स, जो फल भी है वो गिर जाते हैं तो गिर के सड़ते रहते हैं, फ्रूट्स कॉमा तो सड़ेगा तो पक गया, तो पक गया तो टूट के गिर जाएगा, तो खाद बन जाएगा सड़ के, ठीक है। तो बीज कुछ नहीं होता है, बीज खाद बाकी सड़ जाएगा लेकिन बीज को कुछ नहीं रहेगा, बीज वैसे ही रहेगा मिट्टी में रहेगा, फिर कोई जानवर के साथ चला जाएगा कहीं इधर से उधर, या कोई वहाँ कुछ करेगा, वहाँ गाड़ी वाड़ी जाएगी उसके साथ चिपक के चला जाएगा। बीज इसलिए बताया ना कि सीड के ऊपर, देखिए अब अमरूद का बीज है, देखते हैं कितना हार्ड होता है, आम का गुठली, इन सब को आम भले सड़ता रहेगा इसको कुछ नहीं होना है, बीज को बीज नहीं सड़ता, नहीं और वो जर्मिनेट कर जाएगा। हाँ जर्मिनेट कर जाएगा, चाहे कितना भी सड़ा हो, कुछ भी हो, कुछ भी बीज नहीं सड़ता। हाँ ब्रांचेज उसमें डेवलप हो गया, हाँ उसको छोड़ दीजिएगा उसको तो पौधा बन जाएगा। गेहूं में उतना ज़्यादा नहीं होता है, हाँ गेहूं में उतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता है, गेहूं में थोड़ा, हाँ क्योंकि गेहूं ड्राई होता है बहुत और उसको बहुत ज़्यादा पानी वानी चाहिए होता है, हाँ टाइम लेता है। हाँ चलिए, फ्रूट्स कॉमा सीड्स कॉमा ट्विग्स, टुकड़े टहनियों के, ट्विग्स TWIGS, twigs and small herbs, and small herbs। तो जो forest floor की बात कर रहे हैं, जंगल में आप जमीन यानी उसके जो तली को देखेंगे, जमीन को, तो वहाँ देखेंगे कि पत्ते गिरे हुए हैं टूट के, हाँ टूट के फल गिरे हुए हैं, सड़ रहे हैं पत्ते हैं, उसकी टहनियाँ वगैरह टूट के गिरी हुई हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी घास उगे हुए हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई हैं,
और बहुत सारे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं इधर से उधर, तो इस तरह से ये, और डार्क कलर का उसका मिट्टी जो है गहरी डार्क कलर की होती है, तो मिट्टी इस सब चीज़ों से ढकी हुई रहती है। ट्विग्स टहनियों के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं। तिनके, जिनको आप तिनके भी कहते हैं, वो तिनके छोटे से लेके बड़े भी हो सकते हैं। फुल स्टॉप। द डिकेइंग मैटर, द डिकेइंग मैटर इज मॉइस्ट एंड वार्म, इज मॉइस्ट एंड वार्म। फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप आगे लिखेंगे। हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे नीचे से। इन फॉरेस्ट्स, इन फॉरेस्ट्स देयर आर मेनी ट्रीज, ई आर ई, देयर आर मेनी ट्रीज स्टॉप। व्हाट डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक व्हाट डिफरेंस विल इट मेक If we cut some trees, make if we cut some trees, for a factory, for a factory, comma farm or a colony, etc. or a colony, etc. question mark। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई इतने पेड़ होते हैं और इतने जंगल होते हैं, तो अगर हम कुछ पेड़ों को काट ही देते हैं कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई खेत बसाने लगाने के लिए या कोई कॉलोनी बसाने के लिए, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? तो पेड़ों को काटने से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हाउ इट अफेक्ट्स द फॉरेस्ट एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम, दैट वी विल टेक अप इन नेक्स्ट लेक्चर। और एक नया कंसेप्ट वहाँ हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ अ फूड चेन। नहीं नहीं, जैसे आपको है वैसे ही उसको समझ लेना, इसको समझने वाली चीज़ है, और जो जो कंसेप्ट है कैसे क्या है उसको जानना है, ठीक है, जैसे आपको लिखाया है वैसे ही उसको आपको समझ लेना है, और जो जो कुछ एक्चुअली इसमें अभी तक तो कंसेप्ट ज़्यादा नहीं आया है, हाँ, लेकिन आपको उसको जान लेना है, समझना है इन जनरल। हाँ हाँ हाँ